की बड़ी खबर शुरुआत करेंगे इसराइल युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। इसराइल ने बंधकों को ढूंढने की कवायद और तेज कर दी है पहले की तुलना में। इसके लिए इसराइल ने एक अलग ऑपरेशन भी चलाया है और गाजा में तेजी से उन बंधकों की तलाश शुरू कर दी गई है जिन्हें 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले के दौरान हमास के आतंकी पकड़कर अपने साथ लेकर गए थे। इसराइल की मीडिया का दावा तो यह है कि IDF तेजी से बंधकों को ढूंढने में जुटी है और उसे भी जल्द सफलता हाथ लग सकती है। हमास के खिलाफ इसराइल का युद्ध फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। इसराइल की सेना गाजा के सेंटर तक पहुंच गई है, मोर्चा ले चुकी है। गाजा के सुरंगों में हमास का हेडक्वार्टर तक इसराइली सेना की पहुंच हो चुकी है, लेकिन युद्ध का अंत अब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती। इसराइल की प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि बंधकों की रिहाई तक ये जंग जारी रहेगी। हालांकि हमास को भी पता है कि जब तक बंधक इसराइल को मिल नहीं जाते तब तक उनकी आखिरी सांसें चलती रहेंगी। हमास के साथ जंग लड़ते लड़ते इसराइल को एक महीना पूरा हो चुका है। गाजा में हर घंटे हो रही ताबड़तोड़ फायरिंग ने हमास के लड़ाकों के होश उड़ा दिए हैं। हर मिनट इसराइल के रॉकेट हमास के किसी न किसी अड्डे को मिट्टी में मिला रहे हैं। आग उगलती मिसाइलों के आगे हमास के लड़ाके टिक भी नहीं पा रहे। हमास के लड़ाके घरों की आड़ लेते तो हवाई हमले तेज हो जाते। जान बचाने के लिए सुरंग और बंकर में भागते तो इजरायली सेना के जवान वहां घुसकर उन्हें चुन चुन कर मारते। यानी हर छोर पर सिवाय मौत के कुछ भी हासिल नहीं है। हमास का बारूदी स्टॉक, ये 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों के पास से मिले हथियार हैं, जिसका इस्तेमाल उन्होंने मासूमों के खून से गाजा की जमीन को तर करने के लिए किया था। ग्रेनेड, 760 RPG, 427 विस्फोटक जैकेट, 106 रॉकेट और 375 फायर आर्म्स समेत ना जाने कितने हथियार हैं जिनका इस्तेमाल बेकसूर नागरिकों के नरसंहार के लिए किया गया था। इसराइल और हमास के बीच युद्ध की आग अभी बुझती दिखाई नहीं दे रही। दिन रात चल रहा ग्राउंड ऑपरेशन हमास के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की कसम खा ली है और इस कसम को पूरा करने में जुटी है इसराइल की सेना। इसराइली रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि वो अब गाजा के अंदर घुस चुके हैं और हमास के ठिकानों में ही उनकी कब्रगाह तैयार कर रहे हैं। צעד אחר צעד, מחבלים רבים מחוסלים בקרבות ואנחנו עושים את מה שנדרש. גדודי החמאס סופגים מכות קשות ואנחנו מפרקים גדוד אחרי גדוד. אפשר לראות כאן. חמאס כאנט כאחרי 24 גנטי. ישראל כי סנה אס מנשה כסעד גאזה מגוסי היא, כי וי חמאס כתקענו כו תבא כר היא בפס לוטגי. יעני אגלי כוש גנטי חמאס כלי, אוסקי זינדגי כאחרי צ'נד מינט בן סקטי. इस मिशन को अंजाम दे रही इसराइल की सेना का गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन। इजरायली सेना के मुताबिक गाजा को चारों तरफ से घेर रखा है और यह हमास को खत्म करने के लिए उनके अभियान का केंद्र है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर तरफ से इजरायली फौज गाजा पर चढ़ाई कर रही है। जिस सुरंग को हमास के कमांडर अपने आतंक के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसराइल का उस पर भी कब्जा है। इसका सबूत है इजरायली सेना की तरफ से जारी किया गया वीडियो। दावा है कि ऐसे ही सुरंग के रास्ते हमास के अड्डे तक जाते हैं जहां से खाना, पानी और बारूद की सप्लाई की जाती है और इसराइल की सेना पर बमबारी के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। इसराइल का दावा तो यहां तक है कि ऐसे ही किसी बंकर में हमास का नेता सिनवार छुपकर बैठा है। नेतन्याहू की आखिरी कसम। इसराइल के PM नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम लड़ाई के चरम पर हैं, हमें लगातार कामयाबी मिल रही है। गाजा पर जीत के लिए इजरायली सेना चढ़ाई कर रही है। गाजा हमास के हजारों कमांडर की कब्रगाह बन चुका है और हजारों ठिकाने निस्तेनाबूत हो चुके हैं।
אנחנו פועלים בתוכה, אנחנו מעמקים את הלחץ על החמאס מדי שעה, מדי יום. עד כה חיסלנו אלפי מחבלים מעל הקרקע ומתחת לקרקע. हमास के कब्जे में 240 इजरायली नागरिक हैं। उन बंधकों को छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक बंधक रिहा नहीं होते तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। एक एक बंधक की रिहाई उनकी जिम्मेदारी है। אם חיזבאללה יבחר להיכנס למלחמה, הוא יעשה את טעות חייו. 7 अक्टूबर से जारी नरसंहार का अंत दिखाई नहीं दे रहा। इसराइल को दुनिया के तमाम देशों का समर्थन मिल रहा है, तो हमास, हिजबुल्ला और हुती जैसे संगठनों के साथ ईरान खड़ा है।